हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं तुलसी पत्र की माला। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन जो घंटी है उसे आप ऑन कर दीजिए ताकि चैनल के आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आप तक मिलती रहे। और फ्रेंड्स, तुलसी पत्र बनाने के लिए सबसे पहले हमें तुलसी पत्र लेने हैं। तुलसी पत्र लेते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है तो हम चलिए सुन लेते हैं। तुलसी पत्र तोड़ते समय हमें जो बड़े बड़े पत्ते हैं उनकी जो डालियों में से तोड़ने हैं, उसकी जो कोपर होती है वहाँ से हमें तुलसी पत्र नहीं तोड़ने, क्योंकि तुलसी की जो ग्रोथ होती है फिर वो रुक जाती है। इसीलिए हमें जो उसकी कोपर है वहाँ से पत्ते नहीं तोड़ने, उसकी जो डालियाँ होती है वहाँ से पत्ते तोड़ने हैं। और आप उतने ही पत्ते तोड़िए जितनी आपको माला में चाहिए होती है, ज़्यादा मत तोड़िएगा। तो ये देखिए, हमने तुलसी के बड़े बड़े पत्ते ले लिए हैं। आप भी इसे एक बार वॉश करके रेडी करके कपड़े पर लगा दें ताकि उसमें जो पानी है वो सूख जाए। और हमने कुछ कनियल के पत्ते ले लिए हैं, फूल जिनको बोलते हैं। और यहाँ पे हम कोई भी 3D यूज़ कर लेंगे। और थोड़ा सा हम चंदन ले रहे हैं जो हम 3D में लगाएंगे, क्योंकि कान्हा जी के लिए हम बना रहे माला तो कान्हा जी को चंदन अति प्रिय होता है, तो इसीलिए हम 3D में चंदन ज़रूर लगाएंगे क्योंकि वो बहुत खुशबूदार होता है और कान्हा को अति प्रिय है। और ये माला भी कान्हा जी को बहुत प्रिय है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा।
ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे तुलसी पत्र की जो माला है वो बनकर तैयार हो चुकी है और हमने ऊपर से पीले पुष्प लगाए हैं पनियल के, वो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जो घंटी है उसे आप ऑन कर दीजिए ताकि चैनल की आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आप तक मिलती रहे।